नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गुड लक इंडिया शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में, अगले इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं भाई कंपनी आने वाले समय में कितना रिटर्न दे सकती है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में कंपनी आपको प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पर दी हुई है, जैसे कंपनी का करंट नेम, हेड ऑफिस, फाउंडर और कंपनी जो है अभी मार्केट कैप वैल्यू 2839 करोड़ की रही हुई है और कंपनी जो है आयरन और स्टील के सेक्टर में मुख्य रूप से काम कर रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स को देखें तो भाई कंपनी के द्वारा नीचे दर्शाई गई प्रोडक्ट्स में डील की जाती है, इन प्रोडक्ट्स में कंपनी डील कर रही है जो कि यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। इसके अलावा कंपनी 100 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध रही हुई है। कंपनी की 4 मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी रही हुई है जो बुलंदशहर में आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ही कंपनी के बारे में एक शॉर्ट जानकारी, और हम देख लेते हैं कंपनी की जरूरी चीज़ें, कंपनी की फंडामेंटल, कुछ रिपोर्ट्स को। तो देखिए अगर हम पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव को देखें तो 27 मई 2019 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 67 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, और अगर 5 सालों के बाद 20 मई 2024 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 893 के आसपास रुपये के आसपास ट्रेड करती है, और कंपनी की वैल्यू मैक्सिमम गई है 1168 रुपये तक। तो इससे कहा जा सकता है कंपनी ने पिछले 5 सालों में 67 रुपये से 1168 रुपये तक का सफ़र तय किया है, यानी पिछले 5 सालों में 1094% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट पिछले 5 साल हो गई। तो दोस्तों अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 1664 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 31 करोड़ की नेट इनकम बनती थी, और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1600 से बढ़ के 3086 करोड़ हो गया और नेट इनकम 31 करोड़ से बढ़ के 87 करोड़ हो गई, जो कि एक अच्छा संकेत है क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग चलती हुई देखी जा सकती है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले 5 सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, क्योंकि दोस्तों कंपनी की संपत्ति देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में निवेश करने से पहले। क्योंकि अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो अगर किसी कंपनी के पास 3 स्टोर्स रहे हुए हैं, अगर उसमें से कंपनी उन 2 स्टोर को बंद कर देती है तो इससे सीधी सी बात है कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है कम हो जाएंगे और कंपनी का रेवेन्यू भी गिर सकता है। तो इसलिए हमारी कंपनी की संपत्ति को भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए 2018 में देखें तो कंपनी के पास 789 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 5 सालों के बाद देखें 2022 में तो कंपनी के पास 1470 करोड़ की संपत्ति है। तो इससे कंपनी देखा जा सकता है कंपनी की संपत्ति में बढ़ोतरी देखी जा रही है लगातार, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसे कहा जा सकता है कंपनी लगातार अपनी संपत्ति में निवेश कर रही है जिससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले 5 सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, तो क्या कंपनी अपने निवेश को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है। नहीं, तो बिल्कुल दे रही है भाई। देखिए कंपनी 2024 में 2 बार डिविडेंड दिया, 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया, 2022 में डिविडेंड दिया, मतलब कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है और एक साल में 2 बार डिविडेंड दे रही है, और दिए गए डिविडेंड की वैल्यू को भी आप देख सकते हो, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी साल में 2 बार भी डिविडेंड दे रही है तो इससे कहा जा सकता है कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही हुई है, जो अपने निवेशकों को भी इसका लाभ दे रही है। तो ये तो थी भाई कंपनी का डिविडेंड। अब हम देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहले आता है प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी अपने शेयर की 54% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने किसी भी प्रकार से इसको बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग है, एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा 1.85% की होल्डिंग है, ये एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर्स में देखिए 5.20% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर्स में 38% रहे हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादा मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में होना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए ये एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए इसमें जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी काफ़ी कम मात्रा में, विदेशी इन्वेस्टर लगभग अच्छी मात्रा में देखे जा सकते हैं, और म्यूचुअल फंड 0% रहे हुए हैं। तो इसको देखते हुए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, 1 माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलते रहेंगे हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। इससे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।